अगर बबीता जी इंजेक्शन लगाएंगे तो मैं एक क्या हजार इंजेक्शन से अपना सीना जल्दी करवा लूंगा डॉक्टर साहब। अब बताइए तो सही, कब और कहां लगवाना है इंजेक्शन? गुटखा खा के मेरा दिल इतना जल रहा डॉक्टर साहब जितना दिल दिल्ली की शूटिंग करते समय भी नहीं जला था। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, दवाई के साथ साथ भगवत गीता भी है जरूरी। हेलो, हाँ नटू काका। अरे बाद में बात करता हूँ, वो डॉक्टर के ऑफिस में आया हूँ। ओके, जय जिनेन्द्र। ये नटू काका भी ना। अच्छा वो बताइए, जो पिछली बार आपको मैंने जो दवाइयाँ दी थी वो आपने खाई टाइम पे? हाँ ना डॉक्टर साहब, मैंने वो सारी दवाई टाइम पे खाई, वो भी जलेबी फाफड़ा के साथ, बहुत अच्छा था वो। अब दवाइयाँ जलेबी फाफड़ा के साथ कैसे खा सकते हैं? इस वजह से आपको और दिक्कत हो रहा पेट में। क्या करें डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिए ना कोई, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं आपको दवाई तो दिख रहा हूँ पर आपको इंजेक्शन भी लगाऊंगा। एक इंजेक्शन? आप इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर साहब। आप एक काम करिए ना, आप एक्स्ट्रा दवाई लिख दीजिए, आप दिन भर के लिए दवाई लिख दीजिए, मैं खाता रहूंगा, जलेबी फाफड़ा भी नहीं खाऊंगा, पर आप इंजेक्शन मत लगाइए। वो आपको रिलीफ मिलेगा, लगाना ही पड़ेगा, वरना कंट्रोल कैसे होगी डिजीज आपकी? मेरे पास ना आपके लिए एक आइडिया है डॉक्टर साहब। बताऊं? बोलिए। वो मेरी वाइफ दया है ना, आप उसको इंजेक्शन लगा दीजिए, वो घर में खाना बनाती है, वो अच्छा खाना बनाएगी तो मेरा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तो आप उसको इंजेक्शन दे दीजिए। आपके दिमाग में खाने के अलावा कुछ नहीं चलता ना, आप बाजू दीजिए, आपके इंजेक्शन लगेगा एक। नहीं डॉक्टर साहब, आज तो मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। बेटा भाई, आपका बच्चा बड़ा हो गया, वो खुद बाप बनने की उम्र में, और आप बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो यार। ये देखिए डॉक्टर साहब, इंजेक्शन देख के मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, बबीता जी बेटा भाई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, मैं आपको दूसरा पेशेंट भेजता हूँ, आप आराम कीजिए। बबीता जी? कौन सी वाली बबीता जी है ये? अरे वो आपके कॉलोनी में नहीं है अय्यर भाई, उनकी वाइफ है जो, तो हमारे क्लिनिक में एक हफ्ते के लिए वॉलंटरी सर्विस करना है, जो पेशेंट्स आते हैं उनकी केयर करना, उनको इंजेक्शन लगाना, उनसे बात करना, तो इसलिए आइए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर बबीता जी इंजेक्शन लगाएंगे तो मैं एक क्या हजार इंजेक्शन से अपना सीना जल्दी करवा लूंगा डॉक्टर साहब। अब बताइए तो सही, कब और कहाँ लगवाना है इंजेक्शन? हाँ आप जाइए, जो ग्रीन पर्दा है उसके पीछे वो बैठी हुई है दूसरे पेशेंट के साथ, आप जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए, बोल दीजिएगा कि मैंने बोला है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी एक मिनट में आया। हाँ बबीता जी, बबीता जी किधर है? आपसे इंजेक्शन लगवाने आ गया हूँ मैं, इधर इधर। हेलो बबीता जी। ये क्या किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ये क्या किया बाबूजी? हो गया, आइए बैठिए, ठीक नहीं किया आपने डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, अब बैठिए। टपो देखो, पता भी नहीं चला, चींटी मर गई, ऐसा हुआ। ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया डॉक्टर, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। आपको समझ में आया भी आपके साथ हुआ क्या? बबीता जी के नाम पर आपने मेरे दिल में इंजेक्शन लगाया डॉक्टर साहब, दिल में। मेरी बात सुनिए, सपोज कीजिए आप रोड पे बाहर जाते हैं, आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड पे सुंदर सुंदर मॉडल्स के पोस्टर दिखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, टीवी पे एड्स भी आते हैं, तो अच्छा एक बात बताइएगा, जब ये सब आप देखते हैं तो आपको क्या होता है, खरीदने का मन करता है? हाँ खरीदने का मन, क्या मैं तो खरीद ही लेता हूँ, पैसे की कमी है क्या? क्या बात है। आपको पता है भगवत गीता में भगवान कृष्णा बताते हैं chapter 3 verse 37 कि लस्ट जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, एनिमी है, और जितने भी बड़े बड़े ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले हैं इनको पता है कि हम सबके हृदय में लस्ट है, तो ये क्या करते हैं, हमारा मैनिपुलेशन करते हैं, स्त्रियों के आड़ में अपना ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को बिचवा देते हैं, और आप जैसे कस्टमर्स, हम जैसे कस्टमर फंस जाते हैं और बिक जाते हैं, सामान खरीद लेते हैं। तो आप बताइए, क्या इस तरीके से लस्ट को प्रमोट करके सामान बेचना सही है या गलत है? हाँ गलत तो है डॉक्टर साहब। मैं भी आपके टीवी सीरियल देखता हूँ बेटा भाई, आप बबीता जी को फ्रेंडली होके छेड़ते हैं कि अरे इतना तो पड़ोसन को छेड़ा जा सकता है, वो भी गलत है कि नहीं? पर इतना तो चलता है ना। अगर छोटी भाई दया बहन को छेड़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, दया के बारे में आप कुछ भी मत बोलिए ऐसे। जी वही तो, जब भगवान कृष्णा भगवद गीता में बोल रहे हैं कि जो लस्ट है वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, तो उसको इतना कैजुअली क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, कॉमेडी के आड़ में, किसी चीज के भी आड़ में? अब उससे होता है क्या, आपके शो तो बड़े बड़े लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, हर कोई देखता है, अब वो क्या करेंगे, अरे जेठा भाई भी पड़ोसनों को छेड़ते हैं थोड़ा, तो हम भी छेड़ सकते हैं, इतना तो चलता है। होली पे क्या होता है, अब देखो
बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए ये मैंने आपके लिए दवाई लिख दी, आप नीचे से ले लीजिएगा, आपका हेल्थ स्वस्थ रहेगा। और हाँ रुकिए, ये भगवद गीता, जैसे कि दवाई आपका हेल्थ ठीक करेगी, ये भगवद गीता आपका मन ठीक करेगी, समझे? समझ गया डॉक्टर साहब, और आपकी बातों से तो मेरा आधा दर्द यहीं पे चला गया, दवाई की क्या जरूरत। और रही भगवद गीता की बात, तो मैं पेठालाल चंपकलाल गड़ा आज ये प्रण लेता हूँ कि जो भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी आइटम खरीदेगा उसको मैं भगवद गीता बिल्कुल फ्री में दूंगा। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, दवाई के साथ साथ भगवद गीता भी है जरूरी। चलिए मिलते हैं आपसे एक हफ्ते बाद। जैसा कि सर आप जानते ही हैं, मैं विमल पान मसाला गाइड करता हूं, जिसके टाने डाने में है केसर का स्वाद। पर इसी विमल पान मसाला से मैं एडिक्टेड हो गया हूं डॉक्टर साहब, एडिक्टेड हो गया हूं। ना सुबह का प्रेशर बनता है, ना ही रात का डाइजेशन। गुटखा खा खा के मेरा दिल इतना जल रहा डॉक्टर साहब, जितना दिल दिल की शूटिंग करते समय भी नहीं जला था। इस विजय देवगन को बचा लिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। शांत 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 शांत, करता हूँ कुछ, जरा पास आइए, देखे तो स्थिति क्या है। आ सपना और सपना, बंद कर बंद कर। ये क्या था? ऐसा लग रहा है किसी ने लाखों सीवर मेरे मुंह पे खोल दिए हो, इतना बदबू। आप मेरे मुंह की बदबू को सीवर से कंपेयर कर रहे हैं? सीवर नहीं साहब, इसमें केसर का स्वाद है। उनको कैंसर करवाओगे क्या भाई? इतना गुटखा खाने वाले का ना, यहाँ पे फोटो लगाऊंगा आपकी एक दिन कि देखो गुटखा खाने वाला ऐसा हो जाता है, ये पेट का बाहर निकल रहा है, देख लेना। कल को कोई ये ना बोले कांग्रेचुलेशन कैंसर हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कैंसर से नहीं मरना चाहता डॉक्टर साहब, मैं कैंसर से नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तो सुनिए, 75 डे हार्ट चैलेंज होता है जो हम अपने इस तरीके के पेशेंट्स को कराते हैं। उसमें आपको हर अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के 4 बजे भगवान का नाम हरि नाम जपना होता है। उसके बाद आपको 2 श्लोका भगवद गीता के पढ़ने होते हैं। उसके बाद 7 वीक ब्रेकफास्ट करके भोग लगा के लीजिए भगवान को, सिंपल डाइट, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद आप जॉब पे जाइए, जो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज करिए, 30 मिनट एक्सरसाइज ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर से सोने से पहले 2 भगवद गीता के श्लोक और 10 मिनट हरि नाम का जाप करके सोना है। और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते समय मोबाइल नहीं चलाना। और आपको वीकली भगवद गीता प्रोग्राम में आना पड़ेगा, वहाँ पे आपको भगवद गीता पे लेक्चर सुनाई देगा, कीर्तन होगा और महाप्रसाद भगवान का भोग लगा मिलेगा। और ये सब जब गुड चीज आपके अंदर जाएगी तो धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है, जो ये लोअर टेस्ट है, वो कम होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर वीक आपको 2 पूड़ी आपने कम करनी पड़ेगी। तो जब ये 50 है उसको 48, 46, 44 ऐसे कम करते जाइए। और 75 डे हार्ट में आप देखेंगे कि आपकी बहुत ज्यादा आपकी हैबिट सुधर चुकी है। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ दवा से ठीक हो सकता हूँ तो 75 चैलेंज की क्या जरूरत है? भगवद गीता पढ़ना और हरिनाम जाप करना, ये तो बाद में भी किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े सुपरस्टार, भारत के सबसे बड़े स्टार हो, लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है आपकी, और क्या कर रहे हो? 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लेके इलायची की आड़ में गुटखा बेच रहे हो, अपने से जुड़े लोगों को ये सिखा रहे हो। आपसे अच्छा तो इंस्टाग्राम का लड़का है अंकित बेनापुरिया, जो लोगों को अच्छी चीज तो सिखा रहा है, भगवद गीता महापुराण पढ़ना सिखा रहा है, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना सिखा रहा है, वो भी घर पे रह के। और आप इतने बड़े स्टार होके क्या सिखा रहे हो इसको? क्या ये गुटखा खाएं? आइडली आपको प्रमोट करना चाहिए था ये अच्छी चीज है कि आओ सारे भारतवासियों, चलिए मेरे साथ 75 हार्ड डे चैलेंज लेते हैं, गुटखा छोड़ेंगे, भारत को क्लीन बनाएंगे। पर नहीं, पैसा लेना जरूरी है, गुटखा प्रमोट करना जरूरी है, और अपने साथ 2 लड़के और लगा लिए आपने। अगर आपको करना है, अपने आपको सुधारना है तो ठीक है, वरना इसी तरीके से बसाते रहिए, चीवर जैसे बदबू मारते रहिए। यही पोस्टर लगवा दूंगा आपका। डॉक्टर साहब, आज आपने मेरा चपीचा खा दिया डॉक्टर साहब, मेरा चपीचा खा दिया, और आज आपकी वजह से मैं ये स्वागत लेता हूं कि ये विजय टेकन विमल पान मसाला को साक्षी मान के ये स्वागत लेता हूं कि मैं रोज भगवद गीता पढ़ूंगा, 2 माला हरिनाम करूंगा और संडे संडे विकी प्रोग्राम में होगा।
तो ये है आपको सारी दवाइयाँ और प्लान बता रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेगी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, और साथ ही साथ ये आपको भगवद गीता दे रहा हूँ जो आपके मन को स्वस्थ रखेगी। तो शरीर के लिए दवाई और मन के लिए भगवद गीता पढ़िए, दवाई के साथ दो श्लोक लेने आपको। डॉक्टर साहब, आज से विजय देवगन आपको प्रॉमिस करता है कि मैं जुमा केसरी नहीं, मैं अब अपना हृदय केसरी बनाऊंगा। और ताना जी का जो सपना था उसको पूरे भारत में फैलाऊंगा। बोलिए भारत केसरी। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिक्षा अर्थकम को, और शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। साथियों, जैसे आपको पता होगा कि हमने 4.5 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट किया है, अगर आप हमारी मदद करेंगे 4.5 लाख सब्सक्राइबर के लिए तो आपकी बहुत हेल्प होगी, वरना हम जुमा केसरी करते रहेंगे। अंजलि, अरे सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और आप हमें प्लीज फाइनेंशियल सपोर्ट भी जरूर करिए, बिकॉज आप लोग जो डोनेशन देते हैं उसकी वजह से हम लोग शॉर्ट फिल्म बना पाते हैं, तो आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।